हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जानते हैं, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी, राज्यसभा टीवी, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज यानी आकाशवाणी से लिए जाते हैं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज है 19 नवम्बर 2018, तो चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा 2018 विश्व निमोनिया दिवस WPD का विषय क्या था। तो जो 2018 विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है, तो इसकी थीम पूछी जा रही है वैसे, तो ये काफी एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है वह देखते हैं, पहले निमोनिया रोके, बाल स्वभाव बाल स्वास्थ्य में निवेश, बी है इसका वादा रखें अब निमोनिया रोकें, सी है हर सांस की गणना निमोनिया अब रोकें, डी निमोनिया की रोकथाम और देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच। तो जो हमारा आंसर है वह है सी, हर एक श्वास की गणना करना और निमोनिया को अब रोकना। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। शहरी आधारभूत संरचना 2018 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन का स्थान कौन सा शहर है। तो जो शहरी आधारभूत संरचना दक्षिण एशियाई क्षेत्र सम्मेलन, यह किस शहर में होने वाला है। तो आंसर है जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है, एक हो गया काठमांडू, नई दिल्ली, नाइपेई डॉ बैंकॉक, और जो बी है वह आंसर है जो हमारा बी नई दिल्ली। तो यह नई दिल्ली में होने वाला है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने हाल ही में 9 साल बाद अफ्रीकी राष्ट्र के खिलाफ प्रतिबंध हटा लिया है। तो 9 साल बाद यह प्रतिबंध हटाया गया है दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र के खिलाफ। तो वह कौन सा है, ऑप्शन है जो एरिट्रिया, बुरुंडी, सोमालिया, मिस्र। तो जो हमारा आंसर है वह ये है एरिट्रिया, ठीक है, जो कि किस में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC, ये फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं तो इनको भी आप याद रख सकते हैं, का मुख्यालय कहाँ है। तो इसके जो ऑप्शन है वह है चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे। तो जो हमारा आंसर है ये है चेन्नई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, किस तारीख को 2018 राष्ट्रीय प्रेम दिवस NPD हाल ही में भारत में मनाया गया है। तो 2018 प्रेम दिवस की बात की जा रही है, तो किस तारीख को मनाया गया है उसका ऑप्शन देख लेते हैं, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर, 16 नवंबर। तो जो हमारा आंसर है वह है 16 नवंबर, तो आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो की है प्रोफेसर TN श्रीनिवासन, नाम याद रखिएगा श्रीनिवासन, जो जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वह किस फील्ड से थे, उनका मतलब किस फील्ड में इनका योगदान था। तो ऑप्शन है हमारे समुद्री विज्ञान, अर्थव्यवस्था, कला, जीव विज्ञान। तो जो हमारा आंसर है बी अर्थव्यवस्था, यह अर्थव्यवस्था से संबंधित थे, अर्थव्यवस्था के ज्ञानी थे, विद्वाता थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालयी राज्य क्षेत्र परिषद HSRC, जिसे हाल ही में NIT नीति आयोग है यह द्वारा स्थापित किया गया है, कि अध्यक्षता किसकी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन है के राधाकृष्णन, वी के सरस्वत, कैलाश वासवी सिवान, जी माधवन नायर। तो जो हमारा आंसर है वह है बी वी के सरस्वत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, किस तारीख को सहिष्णुता के लिए 2018 अंतरराष्ट्रीय दिवस हाल ही में मनाया गया है। तो जिसके जो ऑप्शन है वह है 17 नवंबर, 18 नवंबर, 16 नवंबर, 15 नवंबर। तो जो हमारा आंसर है वह है सी 16 नवंबर। तो दो यहां पर दिवस मनाए गए हैं 16 नवंबर को, तो आप इसको इनको याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो 9वां क्वेश्चन वह है इंटेक्स दक्षिण एशिया 2018, नाम याद रखिएगा इंटेक्स दक्षिण एशिया 2018 कि चौथा संस्करण भी है, यह भी याद रख सकते हैं कौन सा संस्करण है चौथा, का स्थान कौन सा शहर है, किस शहर में यह आयोजित होना है। तो जो ऑप्शन है वह है नई दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू, नाइपोडिया। हमारा जो आंसर है वह है बी कोलंबो, ठीक है। इसी के साथ जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 10वां वह देखते हैं, इसका आंसर आपको देना है, इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर कल मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। ग्रेट एसोसिएशन ग्लिम्स इन द लाइफ ऑफ स्वामी भूमानंद तीर्थ किताब के लेखक कौन है। तो यह किताब का नाम याद रख सकते हैं, काफी बड़ा है, इसके लेखक पूछे गए हैं, तो इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
थोड़ा गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा, आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका नॉलेज बढ़ेगा। चल के देखते हैं जो पिछले दिन क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। जो 13वीं एशियाई शिखर सम्मेलन EAS 2018 ये कहाँ पर हुआ था, तो इसका आंसर है सी सिंगापुर। तो इसी के साथ ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो कि काफी शानदार थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। साथ ही आप इस लेक्चर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।